हेलो, नमस्कार सबको। वेलकम टू दीपा आर्टिस्ट्री। आई एम दीपा बंसल हेयर। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत प्यारा सा गणेशा जी का क्राफ्ट शेयर कर रही हूँ, जो हम लोग सब लोग बहुत इजीली घर में बना सकते हैं, और जो घर में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उससे बनेगा। देखिए, इस टाइप का हम गणेश जी बनाएंगे। मैं एक दो वेट कर रही हूँ, कुछ लोग और ज्वाइन कर लें ताकि हम इजीली सेशन को स्टार्ट कर सकें। चलिए, तो अगेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। आई एम वेलकम टू दीपा आर्टिस्ट्री। आई एम दीपा बंसल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत प्यारा से गणेश जी का क्राफ्ट बनाऊंगी, शेयर करूंगी। देखिए, एक तो गणेशा है और ऊपर से मौली है, मौली साथ में यूज़ कर रखी है, कलावे से बनाया हुआ है, तो इससे हमारे डबल डबल फायदे होंगे। मौली भी हमें प्रोटेक्ट करेगी और गणेशा जी भी हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कार्डबोर्ड। फोम यूज़ करना होगा, पर मुझे कोई पतला फोम मिला नहीं था। वैसे इससे बहुत पतली बिल्कुल फाइन शीट आती है, वो वाला फोम आपको यूज़ करना है। उसके अगेंस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ये टेफ्लॉन शीट आती है, पैकिंग में यूज़ होती है। हमारे पास वैसे कोई चीज़ सामान आया था, उसके अंदर ये निकली थी, तो ये पैकिंग के अंदर ये टेफ्लॉन शीट है, मैंने यही यूज़ करी है। एंड नेक्स्ट इस कलावा, इस टाइप का बड़ा पैकिंग का कलावा आता है, आप लोग सब यूज़ ले सकते हैं, और इसमें हमारी ये पेंटिंग आराम से बन जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं मैसेजेस देख लेती हूँ, किसी को कोई डाउट्स हो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, पहले हमने इस टाइप के कोई भी गणेशा की आप रेफरेंस भी गूगल से निकलवा सकते हैं, जिसके अंदर ये हमारे गणेशा जी ब्लॉक में बने हुए हों, सब अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर बने हुए हों। इस टाइप के गणेशा का हमें निकालना है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे, अदरवाइज़ आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, वो इजी रहेगा ना। अब इसके बाद हमने क्या किया है, देखिए ये हमारा कार्डबोर्ड है, हमने कार्डबोर्ड लिया और अपना प्रिंट आउट लिया, कार्बन लिया, हमने इसे ट्रेस करेंगे। कोई भी कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कार्डबोर्ड कैसा होना चाहिए। कोई भी कार्डबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी कार्डबोर्ड आपके घर में इजीली अवेलेबल हो वो कार्डबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने कार्डबोर्ड लगाया कार्डबोर्ड के ऊपर और मैंने इसकी ट्रेसिंग कर ली। इस टाइप से हम अपने पूरी ट्रेसिंग निकाल लेंगे, अपने गणेश जी को कार्डबोर्ड पे ट्रेस करके रख लेंगे।
ये बहुत एक्चुअली क्या है, हम पेंटिंग में येलो कार्बन यूज़ करते हैं, तो मेरे पास इस समय घर में येलो कार्बन ही था। आप इसको बाद में फेयर कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। इस टाइप से फेयर करके अब हम इसे सीजर से कट कर लेंगे। तो ये कट करने के बाद आप पहले क्या करेंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि आपने कितने केप कितने फेसिंग सब पे करी है या नहीं। मैंने क्या किया था कि मैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मैंने सारे गणेशा को, जितने भी ब्लॉक्स हैं उनको सबको मैंने पीसेस में डिवाइड कर दिया था, मतलब डिवाइडेड ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, उनको नंबरिंग कर दी थी। तो इसके लिए हमें इजी रहेगा कि हमारे कौन से कितने हमारे पीसेस हैं। तो टोटल इसके अंदर 19 पीसेस हैं हमारे पास। ऐसे आप कार्डबोर्ड कट कर लेंगे, जैसे मैंने ये कार्डबोर्ड कट करके रखे हुए हैं पीसेस इसके। सेकेंड स्टेप इज जो हमारी ये टेफ्लॉन शीट है या फिर आपका फोम है, ये बहुत मोटा फोम है, हमें बिल्कुल टेफ्लॉन शीट जितना पतला फोम आता है हमें वही फोम यूज़ करना है। जस्ट टू शो के फोम भी यूज़ कर सकते हैं, फोम की शीट आती है, आई एम जस्ट शोइंग यू। अब हमारे पास ये टेफ्लॉन की है, इसके अंदर हीट लॉन। अभी हमने हीट लॉन शीट पे अपने इसको ड्रॉ कर देंगे, स्केच पेन से हम इन्हें ड्रॉ कर देंगे। कि हमने ड्रॉ करा, अब हम बहुत इजीली इसको कट कर देंगे। बहुत इजीली कट हो जाती है, देखें कि हमने कट कर दी। मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है जो मुझे रिक्वायरमेंट होगी, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। अब एक चीज़ और करनी है कि हमें जो ये हीट लॉन शीट चाहिए, इसके लिए हमें दो पीसेस चाहिए। जैसे ये मैंने इसके लिए दो पीस काटे हैं, एक फ्रंट में एक बैक में, दोनों जगह ये पीसेस लगेंगे, इसलिए हमें दो पीस की रिक्वायरमेंट होगी। विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल, विद द हेल्प ऑफ ग्लू मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। हमने थोड़ा सा इस पे ग्लू लगाया कार्डबोर्ड पे, और हमने इसको अपने पेस्ट कर दिया। कोई डाउट्स हो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करिए। देखिए इससे हमें 3D लुक आएगी, जो हमारे गणेशा में 3D लुक आ रहे हैं, ये 3D लुक थोड़ा सा इन्हेंस करेगा वो उसको। देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। अब इसके ऊपर ये मौली को हम, कलावा को हम लपेटेंगे। इसको लपेटने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज जो एजेस हैं वो कवर नहीं हो पाते हैं। तो उसको एजेस को कैसे कवर करेंगे हम, थोड़ा सा फेविकॉल हम स्टार्टिंग में लगाएंगे एजेस पे। कलावा लिया हमने अपने हैंड से, इसे होल्ड करा और इसको पूरा रोटेट कर दिया। और मैं क्लियरली दिखा देती हूँ, देखिए ये लिया, गैप नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, और इसको धीरे धीरे हमें रोटेट करना है। अभी ये थोड़ा सा वेट है तो पकड़ने में दिक्कत हो रही है, जो हमने फेविकॉल और हीटलॉन शीट चिपकाई है वो वेट है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जब सूख जाता है तो बहुत ईजीली हो जाता है। देखिए ऐसे पूरा हमें रैप करना है इस पर।
कोई गैप नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप सबको समझ आ रहा हो। एनी क्वेरीज प्लीज़ मुझे बताइए। आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे मैसेज कीजिए। देखिए देखिए फ्रंट का हमारा आगे का सील हो गया। अब हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब हम इसको यहीं से ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। बस अब कोई दिक्कत नहीं है। जो ये टॉप का होता है इसको सील करने में प्रॉब्लम आती है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम बस इसको रोटेट करते रहेंगे ऐसे विदाउट लीविंग एनी गैप। आप इसको रोटेट करते रहेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि एक साइड हमारी फिनिशिंग वाली होती है। मैम कैन वी डू इट विद बबल शीट ऑल्सो? बबल रैप नहीं, आप उससे नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो बबल रैप होते हैं वो एक साइड से दबा हुआ होता है और एक साइड से फुला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। हमें चाहिए पूरा टोटली सिंगल हो ताकि हमारा ये जो ये बन के आया है मोटोस ये बिल्कुल स्टिफ हो और एक जैसे लगे, इसलिए हम उससे नहीं कर पाएंगे। ऐसे हमें ऐसे हम इसको ट्विस्ट करते रहेंगे बिल्कुल एंड तक। बहुत प्यार से, बहुत फिनिशिंग से। हाँ, जो मैं आपको बात बता रही थी वो ये बात बताई थी कि हम लोग ये देखना पड़ेगा कि सपोज हमारा ये है, हमारा एक जो पार्ट होता है बहुत क्लीन होता है और जो बैक साइड होती है उस पर हम लोग फिक्सिंग करेंगे तो वो बैक साइड में चला जाएगा। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो बैक साइड है वो कौन सा है। स्टार्ट करने से पहले ही आपको देखना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर अगर आप इसको बैक साइड करेंगे फ्रंट वाले को तो उसकी चोंच इधर की तरफ आ रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको कैसे करना है। ये देखिए गणपति बाप्पा मोरिया। हाँ जी, गणपति बाप्पा मोरिया। इस समय तो गणपति जी की, प्रोटेक्टर की हमें बहुत ज़रूरत है। जो इस समय हाल चल रहे हैं उसके अंदर हम सब चाहते हैं कि गणपति जी हमारा हमेशा साथ रहें, हमारे हमारा हाथ पकड़े रखें। देखिए करते करते इतना इजी है, छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत इजीली कोई भी इसको कर सकता है, बना सकते हैं। मैंने बहुत छोटा साइज़ लिया है, आप बड़ा साइज ले सकते हैं। एक और क्वेरी है इसके अंदर, जो मेरा ये प्रिंट आउट था वो मैंने 10x12 का लिया है इंचेस, बट आप जो बोर्ड पे लगाएंगे, जैसे नीचे मैंने हार्ड बोर्ड लिया है इस पे लगाएंगे तो वो एटलीस्ट 2.5 इंचेस बड़ा होना चाहिए, 2.5 इंच बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम जब ये लगा रहे हैं तो इससे विथ इसकी बढ़ जाएगी, थोड़ा मोटा हो जाएगा। अब ये एंड आ गया है हमारा, हम इस एंड में सिक्योर करेंगे फेविकॉल से। फेविकॉल लगाएंगे, फेविकॉल लगाया मैंने और हम इसको फिर से ट्विस्ट करके इसको सिक्योर कर दें। ऑलरेडी हमारा वो वाले तो सिक्योर था ही साइड का, और मैं इसको कट कर दूंगी। कट करके फिर से इसके एंड को थोड़ा सा फेविकॉल से चिपका दूंगी। ये हमारा बन गया। ऐसे ही मेरे 19 पीसेस पूरे रेडी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पूरे मेरे 19 पीसेस रेडी हैं। मैं यहाँ से क्लीन कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जिस अकॉर्डिंगली हमारे जो प्रिंट आउट शीट थी, इस प्रिंट आउट शीट के अकॉर्डिंगली हमें इनको अरेंज करना है। हमारे कार्ड, कोई भी कार्डबोर्ड हो आपके घर में, प्लाई हो, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग मुझे आपको कहनी है, जैसे ये जो हमारी मौली का बड़ा वाला पैकिंग है इसके अंदर ये प्लास्टिक की रैप, ये रैप करने वाला इनके ऊपर ही होल्ड करने की प्लास्टिक की बॉटल टाइप में है,
इसको आप अगर आप ये यूज़ करेंगे बनाएंगे, इसको आप थ्रो नहीं करेंगे। मैं आपको इसके साथ नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाइव आऊँगी या जो भी सेशन हम करेंगे उसके अंदर मैं आपको इससे डॉल बनाना सिखाऊंगी, तो आप लोग ये संभाल के रखेंगे, कोई भी इसको थ्रो नहीं करेगा। देखिए ये मेरे पास एक पुरानी कार्डबोर्ड की ट्रे रखी थी जो मैरिजेस वगैरह में हमें मिलता है, उसका मेरे पास रखा हुआ था, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। वरना आप इसमें कोई भी हार्ट वाला कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, आप प्लाई भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको हम बहुत ध्यान से रखेंगे, मेरे पास अभी ये है, मैं इसको देख लूँ, वरना आप लोग अपनी रेफरेंस पे किसको यूज़ करेंगे, और हम इसको एग्जैक्टली सेम में लगाते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा टॉप में है तो फर्स्ट पार्ट ये है हमारा, इसको हम नॉर्मल फेविकॉल एमर है जो क्राफ्ट्स में यूज़ होता है। बिफोर डूइंग दिस आई स्लिप वन पॉइंट, आई जस्ट लेट यू नो। देखिए हमारा जो ये बोर्ड है इसका हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। हमारे बोर्ड का सेंटर क्या होगा, हम एक बार सेंटर निकालेंगे इसका। ये 12 इंचेस का बोर्ड है तो मैंने इसका सेंटर देखिए मैंने इसका सेंटर निकाला 6 में सेंटर निकाला है, ये हमने सेंटर निकाला है, और ऐसे ही हम अपने इसका भी सेंटर निकालेंगे। हमारे इसका सेंटर होगा, ये है हमारा 2.5। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली देख के वो तो समझ आ जाएगा हमारा कर्व कहाँ है, तो और ऐसे ही इसका भी हम सेंटर निकालेंगे, वहाँ हम अपना फर्स्ट प्लेस करेंगे। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के फिर हम इसको लगाना शुरू करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले ये लगाए, ये सेकेंड पीस हमारे, ये मैम वेयर कैन वी गेट कटआउट्स फ्रॉम, कटआउट्स आपको खुद करने पड़ेंगे। आप प्रिंटआउट निकालिए, प्रिंटआउट लगाने के बाद मैंने ये बताया है कि हम लोग, अब देखिए ये मेरी एक फिनिशिंग पार्ट है और एक मेरा अनफिनिश पार्ट है, तो मैंने ऑलरेडी देखा था कि मेरा फिनिश पार्ट कौन सा है और अनफिनिश क्यों। अगर हम लोग अनफिनिश को आगे लगा देंगे, उल्टा धागा लगा देंगे, तो ये भी दिक्कत होगी। कटआउट कुछ नहीं होगा मैम, आप प्रिंटआउट निकालिए। प्रिंटआउट निकालने के बाद कार्बन से इसको किसी भी पेन ट्रेस कर लीजिए, कार्बन लगा के किसी भी कार्डबोर्ड पे, और फिर आप उसको कट कर लीजिए। उसके बाद फोम की शीट लगाइए दोनों साइड, और फिर एक अलावा इस पर लगा दीजिए। ऐसे हम एग्जैक्टली सेम में ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट जो हमने अभी बनाया था वो ये है, हम ये लगाते हैं इसको ऐसे करके, हम सारे अपने लगा देंगे। फिर हमारा आया फेस, आप लोग प्लीज़ बनाएंगे और मुझे मेरा नंबर मेरे पेज पे है, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल बी हैप्पी। एटलीस्ट किसी ने, कोई बना रहा है, किसी को बेनिफिशियल हुआ है, मेरे जैसे गणेश जी जो मैंने बनाए हैं वो शेयर करने, आई विल बी वेरी हैप्पी। फिर हम ईयर बनाएंगे, लगाते समय प्लीज़ ध्यान रखेंगे बैक साइड कौन सी है, फ्रंट साइड कौन सी है। ऐसे करके हम सारा लगा देंगे।
सबको दिख रहा है, सुंदर लग रहे हैं। सेकंड, ये हम एक और ईयर लगाएंगे। टीथ लगाएंगे, बिल्कुल जैसे जैसे इमेजेस में है मैं उसी टाइप से, के बहुत इमेजेस आती हैं, आपको जो भी ठीक लगता है आप उस हिसाब से अपनी इमेज डाउनलोड करवा सकते हैं, मोबाइल में तो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। देखिए एक तरफ किसी फिनिशिंग है, दूसरी तरफ बिल्कुल अच्छे से फिनिश किया है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे अभी हैंड्स भी आएंगे भगवान जी के। देखिए ऐसे करके आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब उस पहले आपको एक और चीज़ बतानी है, वो आपको बताती हूँ। से मार्केट में कान्हा जी की ये आईज मिलती हैं, ऐसी ये आईज मिलती हैं कान्हा जी की, बड़े वाले साइज की कान्हा जी की आप आईज मांग लीजिए और हम इन आईज को अब यहाँ पे भगवान जी के लगा देंगे। जिनको आईज नहीं मिलती वो अल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हैं कि आप पेपर पे पहले एक बहुत क्यूट सी भगवान जी की आईज बनाइए और फिर नीचे उसके कार्डबोर्ड लगाइए और उसको आप प्लेस कर दीजिए। आईज लगा दिए, मैं फटाफट कंप्लीट करती हूँ इसको। हाँ जी आप लैमिनेट कर सकते हैं, अगर आप इसको सिंपल विदाउट एंड जैसे इसको है इसको मैं फ्रेम भी करवा सकती हूँ, आप इसके ऊपर लैमिनेट करवा सकते हैं, प्लास्टिक की शीट से करवा सकते हैं, मिरर से करवाना, ग्लास से कराना चाहें तो ग्लास से करवा सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो आ उससे आप करवा सकते हैं। आप लोग मेरे पेज को प्लीज लाइक कीजिए। आई विल बी कमिंग अप विथ मेनी मोर हैंडमेड प्रोडक्ट्स आर्ट एंड क्राफ्ट के मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, आप कैसे यूज बना सकते हैं, कैसे सिंपल ट्रिक्स लेके आऊँगी। सो प्लीज कीप ट्यून्ड, आप लोग मेरे को मेरे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरा ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने घर में क्यूट से बुद्धा गणेशा जी को लेके आ सकें और बना सकें। नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो आई थिंक मेरे पास जो नॉलेज होगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी।
एक और हैंड लगाऊंगी, ये ऐसे ही। हाँ क्या, देखिए हमारे गणेश जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत झटपट, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत सुंदर से गणेश जी हमने बना दिए। आई होप आप लोग को सबको पसंद आया हो। आप लोग को अच्छा लगे तो आप मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी सीख सकें और ये बेनिफिट कर सकें, अपने घर में बनाएं पॉजिटिव वाले गणेशा जी। थैंक यू सबको, नमस्कार।